यूनिवर्सल ऑन्को केयर और मुंबई ब्रेस्ट केयर के सौजन्य से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत ऑन्को गाइड इस विशेष कार्यक्रम में मैं पूजा आप सभी का फिर एक बार मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर इस बारे में सविस्तर जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर नीनाथ काटदरे से। तो सबसे पहले डॉक्टर नीनाथ काटदरे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाती हूँ और फिर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीनाथ काटदरे सर के बारे में बोला जाए तो वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर के बारे में कि 300 से अधिक सर्जरी जो है वो सर ने सक्सेसफुल भी अभी तक की है। यूनिवर्सल ऑन्को केयर के सर फाउंडर भी है, ऐसे डॉक्टर नीना काटदरे सर आज हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका मनपूर्वक स्वागत है, नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड जी लेट्स स्टार्ट द शो। यस सर श्योर। तो सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है, आज का हमारा विषय है गर्भाशय के मुख का कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले हम इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है, क्या बताएंगे सर? दो चीज है जो सबसे कॉमनेस्ट कारण है। एक तो पुअर हाइजीन, स्पेशली जो मेन जो हमारे जो पेशेंट विलेज से आते हैं उनका कारण अलग होता है और जो शहरी पेशेंट्स रहते हैं उनका कारण अलग होता है। जो विलेज के पेशेंट्स हैं उनका कारण ये है कि पुअर हाइजीन, मतलब स्वच्छता अच्छी तरह से नहीं रखते हैं, तो वो जगह को क्लीन रखना या जो बहुत बार जहाँ पे सैनिटरी टॉयलेट या वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं है तो बाहर इन फील्ड्स जाना पड़ता है बहुत से लोगों को, या जो पब्लिक में शौचालय हो जाता है। सो मेनी ऑफ दिस जो पुअर हाइजीन के वजह से रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं उनको, एंड वो रिपीटेड इन्फेक्शंस आगे जाके कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हम अर्बन क्राउड में ज्यादा देखते हैं, ये जो था वो रूरल क्राउड, मतलब जो गांव के पेशेंट्स रहते हैं उनमें ये कॉमनेस्ट कारण रहता है। जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, उनका कॉमनेस्ट कारण होता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जो ज्यादा पार्टनर्स के साथ संबंध रखते हैं, अलग अलग पार्टनर्स के साथ संबंध रखते हैं, एंड जो बिना कुछ सावधानी बरके, मतलब प्रोटेक्शन कॉन्डोम वगैरह यूज नहीं करके जो संबंध रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई जिसको बोलते हैं, कि वो इन्फेक्शंस के रिस्क ज्यादा रहती है। एंड ये इन्फेक्शंस और वो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस रहते हैं, ये सब इन्फेक्शंस के वजह से कैंसर की रिस्क उनमें बढ़ती है। सो ये अलग अलग टाइप के पेशेंट्स में अलग अलग कारण होते हैं। जी सो बिल्कुल ये सबसे दो महत्वपूर्ण कारण है सर्वाइकल कैंसर के। जी सर, जिस तरह से आपने जो दो महत्वपूर्ण कारण बताए मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आया होगा कि सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण क्या है। सर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्या बता सकते हैं सर गर्भाशय के मुख्य कैंसर में स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या है एक्चुअली? आजकल जो अवेलेबल है, यूजुअली द बेस्ट जो बोलते हैं इज अ कॉम्बिनेशन, जो पैप स्मियर करके टेस्ट रहती है वो, और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसका कॉम्बिनेशन यूज करना बेस्ट रहता है। बट बहुत से जगह पे, स्पेशली इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, एचपीवी टेस्टिंग इजीली अवेलेबल नहीं होती है, या कभी कभी एक जगह से अगर वो टेस्ट लेते हैं तो कोई बड़े शहर में भेजनी पड़ती है। तो एटलीस्ट बेसिक पैप स्मियर जो है वो कम से कम करना जरूरी है। एंड ये पैप स्मियर जो है ये गायनेकोलॉजिस्ट तो करते ही है, लेकिन जो अपनी नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके तौर से जो छोटे छोटे विलेजेस में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं या अपने जो आयाज रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है कि एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं पैप स्मियर। नहीं तो आजकल एक टेस्ट बोलते हैं VIA, दैट इज विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि ये पैप स्मियर अवेलेबल नहीं है, ये जो पैप स्मियर का चेकिंग करने के बाद उन्हें साइटोलॉजी, मतलब पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है वो सेल्स चेक करने के लिए,
तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो ये नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग हमें मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल लाइक टाटा हॉस्पिटल ट्रेनिंग देता है कि VIA करके टेस्ट होती है, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड, माने ये एक स्पेशल टाइप का दवाई है जो वो एग्जामिनेशन करेंगे और पेशेंट के सर्विक्स मतलब गर्भाशय के मुख पे ये एसेटिक एसिड या एक दूसरा कंपाउंड है लुगोल जायडिन करके वो लगाते हैं, और उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी बायोप्सी ली जाती है या फर्दर चेकिंग को भेजा जाता है। सो बेसिकली जो गांव में पेशेंट्स हैं वो ऐसे कोई भी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स रहते हैं या जो उनके एरिया के आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं उनसे मिल सकते हैं और उनसे जाके ये पूछ सकते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 25 या सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद every 3 years पे वो चेकिंग करना जरूरी रहता है। जो अपने अर्बन पॉपुलेशन है मतलब जो शहर में क्राउड है उनके लिए HPV और ये पैप स्मियर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो अपने जो रूटीन गायनेकोलॉजिस्ट रहती है उनसे मिलके ये रेगुलर चेक किया जा सकता है। एंड बेस्ड ऑन पहले जो इंडेक्स पैप स्मियर है वो एज ऑफ 25 से चालू करने को कहा जाता है, एंड देन every 2 to 3 years बेस्ड ऑन व्हाट द रिपोर्ट स्टेट। तो ये रेगुलरली every 2 to 3 years करेंगे तो उससे हमें काफी अर्ली स्टेज की जानकारी मिल जाती है या प्री कैंसर स्टेज की भी जानकारी मिल जाती है, जिससे पेशेंट का पूरी तरह से ठीक होना निश्चित है एंड हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जी सर, जिस तरीके से सर आपने बताया कि जब भी महिलाओं की उम्र 25 ईयर्स की हो जाती है उसके बाद महिला को ये चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर किसी महिला को कैंसर ऐसी इस तरह के कैंसर की शंका हो तो उसी महिला को इस प्रकार की टेस्ट करवानी है या फिर हर एक महिला को एज ऑफ 25 के बाद हर एक महिला को ये टेस्ट करवानी जरूरी होती है और उसके बाद हर 3 साल के बाद ऐसे टेस्ट करवाना हर महिलाओं को जरूरी होता है, क्या बताएंगे सर? सो जो ये 1 सेकेंड जी सर। सो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहती है ये सभी पेशेंट के लिए रहती है, तो इरिस्पेक्टिव वेदर पेशेंट को कैंसर है या नहीं है जी तो ये ईच एंड एवरी महिला अबाउट द एज ऑफ 25 ने करना चाहिए। जैसा ब्रेस्ट के लिए बोलते हैं मैमोग्राफी टेस्ट, वैसा ये वेदर आपको सिम्टम्स है या नहीं है, दिस इज अ रूटीन स्क्रीनिंग, बिकॉज ये बीमारी इतने लेवल तक फैली हुई थी कि अब ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स आने के बाद उसकी इंसिडेंस कम होते जा रही है। तो ये इतना बड़ा रिस्क था कि ये किसी को भी हो सकता था, उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चालू किए थे। तो ये स्क्रीनिंग इज फॉर सब नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, मतलब जो पेशेंट को कुछ तकलीफ, कोई महिला को तकलीफ नहीं है उनके लिए भी ये बनाए गए हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि 25 के बाद हर एक महिला को ऐसी टेस्ट करवानी जरूरी होती है, उसी तरीके से अगर किसी प्रकार की शंका आती है किसी महिला को तो सबसे पहले वो अपने गायनेक के पास जाए। ये तो आपने लास्ट जो हमारा मार्गदर्शन था, आपने जो हमें मार्गदर्शन किया था उसमें आपने बताया था सर कि खुद के गायनेक के पास जाए और टेस्ट करवाए ये सब तरीके के, लेकिन जब भी पता चलता है खुद के गायनेक के पास जाने के बाद कि इस तरह की प्रॉब्लम आप में है तो उसके बाद उस महिला को कौन सी स्टेज लेने की जरूरत पड़ती है सर, क्या बताएंगे? सो फर्स्टली जैसा हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि आजकल कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट तज्ञ है और उसमें भी हर सिस्टम के लिए स्पेसिफिक तज्ञ आए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे गायनेक कैंसर के लिए गायनेक ऑन्कोसर्जन नाम की चीज है, जैसे पीपल लाइक मी जो हम गायनेक ऑन्कोसर्जरी करते हैं, तो ऐसे डेडिकेटेड गायनेक सर्जन के पास जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस रेट अच्छा रहता है और सर्वाइवल भी अच्छी रहती है। सो डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट के पास जाने का वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है एक जनरल कैंसर स्पेशलिस्ट से भी, कि जिसमें हम पेशेंट का फायदा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे शो में जाएंगे मैं बताऊंगा व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स, जो स्पेसिफिक क्या क्या चीजें हैं जिससे स्पेशलिस्ट ज्यादा फायदा कर सकता है पेशेंट का। तो जब हमें शंका है कि बाबा इसमें कैंसर है तो सबसे पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे,
तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करने के बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब मायांग के रास्ते से चेक किया जाएगा, पर वजाइनल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। फिर वो टेस्ट से ये होता है कि उसमें अगर कुछ ट्यूमर दिखता है तो सबसे पहले बायोप्सी ली जाती है। तो ये बायोप्सी जो रहती है वो चेकिंग के लिए भेजते हैं। फिर ये बायोप्सी होने के बाद वो एक 3 से 4 दिन में अपने को टेस्ट मिलती है, तो उससे पता चल जाता है कि उसमें कैंसर है या नहीं। कैंसर है तो वो कितना डीप जा रहा है वो पता चल रहा है। दूसरी चीज, बायोप्सी के साथ ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये सर्विक्स के आजू बाजू की जगह जिसे पैरामेट्रियम बोलते हैं, उधर फैला है कि नहीं वो भी पता चलता है। तो इसे बोलते हैं क्लिनिकल स्टेजिंग, माने क्लिनिकल तपास से पता चलता है कि ये कौन से स्टेज पे है। बट ये सिर्फ इतना ही तपास काफी नहीं होता है। सो एक बार अगर कंफर्म हो गया कि बाबा इसमें ट्यूमर है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है एमआरआई। सो जो पेल्विस, मतलब अपने पेट के नीचे का पार्ट रहता है, उसे पेल्विस बोलते हैं, जहाँ पे अपना गर्भाशय, ये सर्विक्स, अपनी पेशाब की थैली मतलब यूरिनरी ब्लैडर, और पैखाने की जगह मतलब रेक्टम, ये सब चीजें जो रहती है वो पेल्विस में रहती है। तो ये पेल्विस के अवयवों के लिए एमआरआई की जो टेस्ट है वो सबसे आइडियल टेस्ट है। तो उससे जो ट्यूमर का स्प्रेड या आजू बाजू के अवयव का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। तो सेकेंड स्टेप पे ये एमआरआई किया जाता है। समझो एमआरआई पे लग रहा है कि ये पेल्विस से आगे जा रही है बीमारी, तो फिर जो थर्ड टेस्ट रहती है पेट सीटी स्कैन, जो पूरा बॉडी का चेकअप होता है हेड से टो से। तो ये पेट सीटी स्कैन हर पेशेंट में जरूरी नहीं रहती है। आजकल वो बहुत एक स्टाइल हो गई है कि हर पेशेंट का पेट सीटी स्कैन किया जाता है, बट पेट सीटी स्कैन हर पेशेंट में जरूरी नहीं रहता है। सो जैसे सर्विक्स कैंसर में फर्स्ट स्टेप इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक फिर गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट से जांच, उसके बाद बायोप्सी, उसके बाद एमआरआई, और जरूरत पड़े तो पेट सीटी स्कैन। सो ये सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज में बीमारी है, और इस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जी सर, मतलब सबसे पहले अगर किसी महिला को इस प्रकार की शंका आती है, उसके बाद अगर वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उन्हें अगर किस प्रकार की शंका आती है, तो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास दिखाना बहुत जरूरी होता है सर। सर दूसरी बात यस आपसे यह पूछनी है मुझे कि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, उस तरह से हमें पता चल रहा है कि कैंसर के ऊपर भी अभी एडवांस उपचार पद्धति अवेलेबल है। तो अगर गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए देखा जाए, तो किस प्रकार की एडवांस उपचार पद्धति इस कैंसर में अवेलेबल है, क्या बताएंगे सर? सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, मतलब जो बेसिक ट्रीटमेंट पहले ऐसी रहती है कि कोई भी कैंसर है उसका स्टेज कौन से स्टेज में है, उस प्रकार से इलाज किया जाता है। सो सर्विक्स कैंसर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पहले क्या है कि जो स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2, ये जो 2 स्टेजेस है, इसमें सर्जरी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मतलब सबसे पहली चॉइस है सर्जरी करना। फिर अगर वो स्टेज 2, लेट स्टेज 2 के ऊपर है, या स्टेज 3 में है, या अर्ली स्टेज 4 में है, तो ये सब स्टेज में रेडिएशन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, विथ और विदाउट कीमोथेरापी। सो बेस्ड ऑन कौन सी स्टेज में है, तो पेशेंट को सर्जरी लग सकती है, कीमोथेरापी लग सकती है, रेडिएशन लग सकता है, एंड वो कौन सा स्टेज है उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्लान करनी पड़ती है। सो जो अराउंड आई वुड से 50% से ज़्यादा महिला जो इंडिया में आती है वो स्टेज 3 में आती है, जिनके लिए द आइडियल ट्रीटमेंट इज कीमोथेरापी विथ रेडिएशन थेरापी। इसमें ऑलमोस्ट 80% महिलाएं पूरी तरह क्योर हो जाती है, सिर्फ कीमोथेरापी रेडिएशन के, सर्जरी लगती नहीं। जो पेशेंट्स हैं बचे हुए जिनमें थोड़ी बीमारी बची है कीमो रेडिएशन के बाद, उसमें सर्जरी लगती है। अर्ली स्टेज में आते हैं, अगर प्री कैंसर स्टेज में आते हैं तो सिर्फ सर्जरी से काम हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में भी सिर्फ सर्जरी से काम हो जाता है, सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स कोई कोई केसेस में सर्जरी के साथ रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है।
एंड देन लेट सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में रेडिएशन इज द बेस्ट. सो अभी ये ट्रीटमेंट पता होने के बाद उसमें नई टेक्नोलॉजी कैसे काम में आती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स, ये दो चीज़ है जो काफ़ी टाइम यूज होती है. भले अभी रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने बोला है कि रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी से थोड़ा रिकरेंस का रिस्क बढ़ता है, बट वो स्टडी में थोड़ी सी खामियां भी थी. उसके लिए जहाँ पे ट्रेंड है डॉक्टर्स, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहाँ पे ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स, ये दो आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी हो सकती है. एंड इसमें अगर बराबर रीति से की गई सर्जरी तो उसमें सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है, कैंसर वापस आने का रिस्क भी कम रहता है और पेशेंट का रिकवरी भी एकदम फास्ट हो जाता है. ऑफ कोर्स लैप्रोस्कोपी रोबोटिक्स नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है. सो इफ कॉस्ट इज एन नॉट एन इशू तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है. बट ऐसा नहीं है कि अपनी नॉर्मल ओपन सर्जरी इज इन्फीरियर, तो जो कॉस्ट कॉन्शियस पेशेंट है वो ओपन सर्जरी भी कर सकता है, उसमें भी सक्सेस रेट वैसा ही रहता है. कमिंग टू रेडिएशन, उसमें थोड़ा अलग रहता है कि रेडिएशन में जो नए टेक्नोलॉजीज है उसमें साइड इफेक्ट काफ़ी कम है. तो जो आजकल रैपिड आर्क करके टेक्नोलॉजी आई है, इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी जिसमें एकदम मिनिमम साइड इफेक्ट से रेडिएशन दिया जा सकता है, बट एट प्रेजेंट वो थोड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है. सो विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज आपके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, रिकवरी फास्ट होती है, एट द सेम टाइम जो कैंसर कंट्रोल भी अच्छा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम थोड़े वो कॉस्टली है. और एक दूसरी जो टेक्नोलॉजी बोल सकता हूँ, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ स्पेशलिटी स्किल बोल सकते हैं, कि जो आम कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते हैं, जो गायनेक कैंसर स्पेशलिस्ट कर सकते हैं. जैसे कि देखा जाता है कि आजकल जो सिटी क्राउड है वो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है बोलते हैं, एंड जो उनके बहुत अर्ली एज से सेक्सुअल पार्टनर्स आ जाते हैं. सो ऐसे केसेस में वी आर सीइंग इन सम पेशेंट्स द कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में हो रहा है. मतलब हमने अभी लास्ट 6 मंथ्स में ही एक 28 साल की पेशेंट पे ऑपरेशन किया है, एक 32 साल के पेशेंट पे ऑपरेशन किया है, एक 34 साल की पेशेंट पे ऑपरेशन किया है जिनको ये सर्वाइकल कैंसर था. तो अभी ये अर्ली स्टेज में अगर ये कैंसर होता है तो कोई कोई पेशेंट्स की शादी नहीं हुई होती है, किसी की शादी हुई है लेकिन बच्चे नहीं हुए हैं. तो इस टाइप में देयर इज वन टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी. सो फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी माने क्या होता है, तो हम एक ट्रैकेलेक्टोमी नाम की स्पेशल सर्जरी करते हैं जिसमें सिर्फ गर्भाशय का मुख निकाला जाता है और बचा हुआ गर्भाशय बचाया जाता है. ये सिर्फ अर्ली स्टेज में, मतलब स्टेज फर्स्ट स्टेज में ही ये सर्जरी की जा सकती है, आगे के स्टेजेस में नहीं की जा सकती है. तो अगर अपने को स्क्रीनिंग पे या अर्ली स्टेज में पता चला तो हम पूरा गर्भाशय निकालना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो सर्विक्स का मुंह निकाले तो वो कैंसर का पूरा इलाज भी हो जाता है, हम पेशेंट का गर्भाशय भी बचा सकते हैं, और देन आफ्टरवर्ड्स पेशेंट का कंसेप्शन पेशेंट की खुद के गर्भाशय में ही होता है, उन्हें सरोगसी वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. एंड सिर्फ उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है बिकॉज वो सर्विक्स का मुख हमने निकाल दिया है तो जगह थोड़ी टाइट हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट सीजेरियन लगता है पेशेंट को आफ्टर फॉर डिलीवरी. लेकिन इवन इन अनमैरिड पेशेंट्स या पेशेंट जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उसमें ये सर्जरी करके हम कैंसर का पूरा इलाज कर सकते हैं. तो ये सब गायनेक कैंसर्स में आजकल फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. तो ओवरी कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, सर्विक्स कैंसर, तीनों में ये हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और यंग पेशेंट्स जो है उनको हम कैंसर से बचा भी सकते हैं और उनका फर्टिलिटी भी बचा सकते हैं. जी, जिस तरीके से सर आपने बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपने इसमें बताया कि एडवांस उपचार पद्धति जो अभी आई हुई है उसमें से महिलाओं को कैंसर जो है उससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम किए जा सकते हैं. और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर
साइड इफेक्ट्स तो कम किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कैंसर भी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है सर। सर मुझे आपसे अभी ये पूछना है कि जिस तरह से आपने स्टेजेस बताए, तो किन किन प्रकार के स्टेजेस होते हैं, और अगर किस स्टेज में महिला आपके पास आती है तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जा सकती है? सो एज ऑफ नाउ स्टेज थर्ड स्टेज कैंसर तक सब पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं। कोई कोई स्टेज फोर कैंसर भी है जिसमें पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। तो जो हम ये स्क्रीनिंग में डिटेक्ट होता है पेशेंट, तो मतलब ये पैप स्मियर पे या एचपीयू टेस्टिंग में या उस समय पे अगर हमें पता चलता है कि ये प्री कैंसर मतलब कैंसर होने की पहले की स्टेज है, वो तो 100% ठीक हो सकता है। फिर जो फर्स्ट स्टेज कैंसर में एंड सेकेंड स्टेज कैंसर में भी पेशेंट पूरी तरह से ठीक होता है, बट अराउंड 10% चांस है कि वो बीमारी अगले 5 साल में वापस आने की थोड़ी रिस्क रहती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाता है उसमें भी हम कैंसर को पूरी तरह से उस समय पे ठीक कर सकते हैं, बट एक जो हम बोलते हैं कि 5 ईयर्स सर्वाइवल या 5 ईयर्स डिजीज फ्री इंटरवल, वो कम होते जाता है। सो जैसे थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में भी कोई कोई अर्ली फोर्थ स्टेज में हम पूरा क्योर कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन उसमें वो कैंसर वापस आने की थोड़ी रिस्क ज्यादा रहती है। सो अभी जो एडवांस स्टेज कैंसर रहता है जिसमें गर्भाशय के साथ कभी कभी पेशाब की थैली और अपनी टॉयलेट की जगह रेक्टम वो भी निकालनी पड़ती है, तो वो सर्जरी का फिर जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाते हैं और पेशेंट के साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कोई कोई इसमें हमको ट्रीटमेंट कम देनी पड़ती है ताकि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, पर वी कैन से ब्रॉडली कि एक थर्ड स्टेज तक पूरा पेशेंट ठीक हो सकता है। जी सर, अल्टरनेटिव जो थेरेपी होती है उनमें आयुष किस प्रकार से हमें मदद कर सकती है? सो बेसिकली एक फर्स्ट बेसिक रूल है कि जो कैंसर में क्यूरेटिव थेरेपी सिर्फ 3 है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। कितना भी कोई भी कुछ भी कहे, आयुष थेरेपी से पेशेंट क्योर नहीं हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हम कभी आयुष को बैड माउथ भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2-3 एडवांटेज ऐसे है कि एक तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये ट्रीटमेंट्स बहुत हेल्प करती है, दूसरा जो साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी रहती है उसमें भी काफी ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर आप कभी गूगल करके देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में देयर आर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, इट वो जो नॉर्मल अपने सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन को रिप्लेस नहीं कर सकेगा, लेकिन जो कभी कभी कीमो के वजह से वीकनेस आता है, रेडिएशन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, सर्जरी से बाद आपकी इम्यूनिटी रिकवर होने के लिए, ऐसे जगह पे वो काफी हेल्प करती है। सो अगर हम हमारे सब पेशेंट्स को वही एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरी, कीमो, रेडिएशन से भाग के अगर वो ट्रीटमेंट लेने जाओ ये हेल्प नहीं होने वाला है। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है आयुष से, लेकिन हम ऑन एन एवरेज हर साल 30-40 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो कि हमको कभी तो मिले हैं साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में, अपने मर्जी से वो जाके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिए है और बाद में थर्ड या फोर्थ स्टेज में वापस हमारे पास आए क्योंकि वो इफेक्ट नहीं किए हुए। सो क्योर के लिए ये थेरेपीज डेफिनेटली डोंट हेल्प। हमें लगता है कि उसमें है पोटेंशियल, बट वो हमें साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, उस पर ट्रायल्स होएगी, उसमें प्रूव होगा तो डेफिनेटली वो मेन स्ट्रीम में यूज की जाएगी, लेकिन जो अभी का साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है उसमें ये थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है, मतलब सपोर्ट काम करती है। तो ये सपोर्ट से पेशेंट का रिकवरी में हेल्प हो सकती है, लेकिन बीमारी क्योर नहीं हो सकती उसके लिए। तो वो एक हमेशा याद रखना है कि कोई भी कैंसर हो उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये तीनों ही क्यूरेटिव मोडालिटीज बोलते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ये 3 ही है। सर सर्वाइकल कैंसर को लेके बहुत सारे मिथक है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, इस बारे में सर
इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या जानकारी दे सकते? सो जो एक सबसे कॉमनेस्ट मिथ जो है लोगों के दिलों में कि सर्वाइकल अपने जो ओसी पिल्स है उससे सर्वाइकल कैंसर्स होता है, जी तो वो एक गलत चीज है कि ओसी पिल्स से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है कभी भी। ये जो ओसी पिल्स है वो कोई कोई केसेस में ओवेरियन कैंसर के लिए बोली जाती है, तो सर्वाइकल कैंसर से ये कभी नहीं होगा आपको, ओसी पिल से सर्वाइकल कैंसर कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, मतलब एक दूसरी मिथ जो है कि ऐसा बोलते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होने के बाद बेबी नहीं होगा, तो जो मैंने समझाया है कि जो फर्टिलिटी प्रिजर्विंग ऑप्शंस है उसमें ये फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी अगर करते हैं तो उससे रिकवर होने के बाद पूरी तरह से पेशेंट ठीक होता है एंड शी कैन हैव हर ओन बेबी ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके बाद बेबी नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर थर्ड स्टेज है, बहुत एडवांस स्टेज है, तो उसमें डिफिकल्ट है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में हम पेशेंट को पूरा क्योर भी कर सकते हैं और बेबी भी हो सकता है। तीसरी एक कॉमन मिथ है कि जैसा एक बार पैप्समियर पॉजिटिव आया मतलब कैंसर है, ऐसा नहीं रहता है। पैप्समियर बहुत बार आपको अर्ली प्री कैंसर स्टेजेस बताता है एंड जिसमें कभी कभी वो कैंसर में कन्वर्ट ना भी हो, तो वो पैप्समियर और जो एचपीवी का रिपोर्ट है वो कोई ट्रेंड ऑन्को सर्जन को जाके दिखाना हमेशा एडवांटेजेस है। मतलब अगर नॉर्मल है तो नो प्रॉब्लम, बट इफ एबनॉर्मल है और कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो एक गायनेक ऑन्को सर्जन की सलाह ले सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन देम कि ये रिपोर्ट किस तरह से है, इसके क्या रिस्क है, क्योंकि अभी जैसा जो प्री कैंसर में भी CIN 1, 2, 3 ऐसे तीन लेवल्स रहते हैं, तो जो CIN 1 लेवल रहता है वो अगले 20-25 साल कैंसर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, तो उसके लिए अभी से डरने की जरूरत नहीं रहती। तो जो पैप टेस्ट और एचपीवी टेस्ट है उसका इंटरप्रिटेशन भी उतना ही जरूरी रहता है। फिर जो एक चौथा मिथ है जो हमेशा बोलते हैं कि हर साल पैप्समियर की जरूरत नहीं है, आप 3 साल में एक बार करके भी अगर नॉर्मल रिपोर्ट है तो every 3 years इज ऑल्सो इनफ। सो ऐसे कोई कोई जो डाउट्स है, मिथ्स है, जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों को गई है, सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू क्लियर। डॉक्टर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मिथ्स है बहुत सारे, वही दूर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे सर। आज आप इस कार्यक्रम में आए और गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है उसका निदान किस तरह से होता है या फिर उसकी टेस्ट किस तरह से है, एडवांस उपचार पद्धति है वो किस प्रकार की है, इन सब बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया सर। इस बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। हमारे दर्शकों को एक सूचना है कि अगर आप किसी भी तरीके से हमारे ये लाइव कार्यक्रम जो है वो मिस करते हैं तो आप हमारे इनमेट ट्रैवल के पेज पे, फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं और वहां पर हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, या फिर हमारा इनमेट ट्रैवल का जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी आप ये वीडियो फिर से एक बार जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हर एक विशेषज्ञों के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।